हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस क्वेश्चन सेशन में हम लेने वाले हैं दो या तीन क्वेश्चन। बेसिकली आप सब उस क्वेश्चन से रिलेट कर पाओगे। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन ये है कि मैम कब तक आएगी मेरिट लिस्ट, तो ये पूछा है मनु चौधरी ने। तो भाई मेरिट लिस्ट के लिए आपको 15 अगस्त तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है तब तक तो मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए, चाहे वो बीकॉम है, बीएससी है, बीएफए, व्हाटएवर, कोई भी सब्जेक्ट भी कोर्स है, तो तब तक तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अमरजीत कश्यप पूछते हैं कि मैम बीएलएलबी में 64% एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। बिल्कुल है भाई, 64% अपने आप में बहुत ही अच्छी परसेंटेज है। ग्रेजुएशन में हमारे तो नहीं आई, लेकिन आपकी आई है, बहुत अच्छी परसेंटेज है, आराम से मास्टर में आपका एडमिशन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में डीपली बताइए। तो डीपली के लिए तो मुझे इंडिविजुअल वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसके बारे में आपको 10 मिनट में बताना यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा सेशन है, एक दो क्वेश्चंस लिए हैं बेसिकली। कोई बात नहीं, आपको प्रोवाइड करा देंगे ये जो क्वेश्चंस। सॉरी, नाम लेना भूल गई, नाम इन्होंने भेजा था प्रिंस दत्त सोनी ने, ठीक है जी। चलिए, एक हनीफा दादी यहाँ पे पूछती है कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। आपसे यार अब तक तो आ जाना चाहिए था, बट इतना लेट क्यों हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है, पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं, पता नहीं कब तक आएगा, वैसे आ जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मेरे जो सिक्सेंस है ना, वो बता रहा है कि शायद 15 अगस्त के बाद आ जाए, आई होप सो आ जाए, 16 में आपका आ जाए। लेकिन इस डेट को ना, मतलब ऑफिशियली डेट मत माना, मैं तो ऐसे ही आइडिया लगा रही हूँ, वैसे आ जाना चाहिए था यार अब तक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रियांशु प्रजापति पूछते हैं कि मैम प्लीज़ पॉलिटिकल साइंस का कुछ पास होने के लिए बता दीजिए। भाई जुगाड़ के लिए ना बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी, जाकर के देख लो, दो तीन वीडियो तो है कि भाई पास होना, या अगर आपका ऑप्शनल बेस पे आपका एग्जाम पैटर्न है तो 100 में से 100 आप किस तरीके से ला सकते हो, और पास होने के बहुत सारे जुगाड़ मैंने उसमें बताए हुए, जाकर के चेकआउट कर लो भाई, बम्फर वीडियो है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रियांशु रत्नाकर ने पूछा है कि मैम कैन यू टेल मी व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज कॉल्ड साइंस, गिव मी एग्जैक्ट रीज़न क्या है। इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि यहाँ तो नहीं बता सकती ना कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों बोला जाता है। बहुत सारे सब्जेक्ट, सोशोलॉजी को साइंस क्यों नहीं बोला जाता, राजनीति विज्ञान को साइंस क्यों बोलते हैं, तो उसकी एक इंडिविजुअल वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी इसका आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है। सो गाइस, ये तो थे 2-4 क्वेश्चन, आई होप सो इन क्वेश्चन से आप लोगों ने भी रिलेट किया होगा, आप लोगों के काफ़ी सारे आंसर आपको मिल गए होंगे। और एक क्वेश्चन था जो बहुत ही धमाकेदार था, पता नहीं किसने पूछ डाला कि पॉलिटिकल साइंस जो है सब्जेक्ट है बहुत ही घटिया सब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। तो भाई जो अपने अंदर के जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी सब्जेक्ट पर नहीं निकालनी चाहिए। होता है ना, जब लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं तब वो एक्सक्यूजेस देने लगते हैं अपनी सिचुएशंस को, अपने सब्जेक्ट्स को, कि नहीं बढ़िया नहीं है, कुछ और देखो, तो कुछ और देख लो। और अगर आप इसलिए मैसेज कर रहे हैं कि कोई पढ़ाने वाला जो भी टीचर है पॉलिटिकल साइंस का, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो पढ़ाना छोड़ देगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है भैया, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो ना जाने कितने कमेंट्स आते हैं, तो आप सो फाइनली गाइस, ये था हमारा छोटा सा सेशन, खड़े होकर के मैंने पूरी वीडियो बनाई है, क्योंकि रिफ्लेक्शन चाहिए था लाइट का। तो अगर आप मास्टर डिग्री में भी एडमिशन लेना चाहते हो, चाहते हैं कि उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म या उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कब तक आएगी, तो नीचे जो सब्सक्राइब करने का बटन है ना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो एमए का मैं जब भी डालूंगी ना, जब भी आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय भारत।